हेलो दोस्त, सब दिन विद्यार्थी का प्रॉब्लम मैं सोल्व करने में कोशिश करते रहा हूँ, लेकिन आज मेरी प्रॉब्लम सोल्व करने की आपकी बारी है। हो सकता है, हालांकि वीडियो टेक्निकल एजुकेशन का बनाते रहता हूँ तो कोशिश नहीं किया है कि पर्सनल चीज़ें कभी शेयर किया जाए किसी के, लेकिन आज मेरे सन ही मिसिंग हो गया है तो 2-3 दिन से वीडियो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आज मुझे आपसे सहायता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर कहीं किसी को कुछ मिलता है तो थोड़ा सा एक हेल्प कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है, हालांकि इस पर कॉल नहीं लगेगा, 8076-1265 व्हाट्सएप नंबर, और रेलवे लाइफ LP टेलीग्राम। मेरा सन राहुल कुमार मिसिंग है, साइकिल रेड कलर का पहना हुआ, साइकिल रेड कलर चला रहा था, ब्लू लोअर और ब्लू ही टी शर्ट पहना हुआ था, जिसकी हमने FIR अंकुर बिहार थाने में करा दिया है। लोनी थाना अंकुर बिहार का है। किसी भाई बंधु सज्जन को मिले तो ये मिसिंग है 15 तारीख का, और 16 तारीख का मिसिंग हुआ है। 15 तारीख में 12:17 पे साथ में हम घर से निकले थे, वो साइकिल से थोड़ा आगे हो गया जिसके कारण से वो नहीं मिल पा रहा है और मैं नहीं ट्रेस कर पा रहा हूँ। 2-3 दिन से मैं परेशान हूँ ढूंढते। लड़के का अगर फ़ोटो देखना चाहेंगे तो इस प्रकार से है, थोड़ा सा मतलब लोगों से कम्युनिकेशन स्किल कम है, थोड़ा सा IQ लेवल भी 60-70% है, तो किसी से कम्युनिकेट नहीं करता है, लेकिन अगर कोई पूछ पाए तो ये अच्छा से सबको बता पाएगा अपनी खुलिया अपने बारे में। और थोड़ा सा ये पतला लंबा है, 6 फीट का है, ठीक ठाक हाइट है, और सारी चीज़ें कहीं रुकता हुआ जनरली इधर उधर चलता हुआ ही मिलेगा। अगर लोकेशन की बात करें, अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई शेयर करना चाहे तो टेलीग्राम पे मेरे रेलवे लाइफ का जो हमारा चैट ग्रुप है उस पर आप दे सकते हैं। यूट्यूब रेलवे लाइफ आप जान ही रहे हैं, जिस पर ये वीडियो अपलोड होगा वो तो आपको पता ही है, सब लोग आपको हमारे चैनल से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं वो सबको पता ही है। साथ में आपको मैप की सहायता से थोड़ा सा मैं अगर आप समझाने की बात करूँ तो ये लोकेशन कहाँ है, थोड़ा सा मैं ये रोड पर हूँ, थोड़ा आवाज़ आएगी तो मैं ये लोकेशन के माध्यम से, अगर ये गिरी मार्केट है, यहाँ पे लास्ट में ये लड़का ट्रेस हुआ है CCTV में 12:37 पे, 1 मिनट यहाँ पे इस वाले लोकेशन पे, ये लोनी है। इस लोनी में अगर इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और यहीं पर आपका दुर्गा मंदिर भी है। इधर की रोड जो जाती है ये टोनका सिटी होते हुए बागपत की तरफ जाती है, और इधर की तरफ जाती है ये आपका CUBR मेट्रो स्टेशन से होते हुए ये सहादरा के लिए जाती है, ये इसका रोड का है। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे तो इधर आपको मेट्रो स्टेशन CUBR की वो तरफ मिलेगा, और ये देखिए जोहरी इंकलेब और CUBR मेट्रो स्टेशन आपको इस रूट में मिलेगा और इधर की तरफ हुआ है। लेकिन इस CCTV के अगर माध्यम से कहें गिरी मार्केट की अगर बात करूँ, मैं अभी एक बार आ जाऊँ यहाँ पर शॉप यहाँ गिरी मार्केट पर, तो CCTV में लड़का यहाँ तक दिखा है, इस रूट में नहीं दिखा है जाते हुए, ना इस रूट में देखा है। दोनों डायरेक्शन में हमने CCTV पर देख लिया, दोनों डायरेक्शन में नहीं देखा है। फिर भी अगर एक संभावना है कि यहाँ टाइम की, तो मैं गिरी मार्केट की बात कर रहा था अभी आपके साथ कि कहाँ से है ये गिरी मार्केट है, और इस रोड से अगर देखेंगे तो यहाँ से जो टर्न की पॉइंट आती है, की पॉइंट से इधर की तरफ यूपी ही थोड़ा दूर में, लेकिन उसके बाद दिल्ली शुरू होता है CUBR जवाहर नगर एरिया से। अगर लोकेशन अगर देखें मैं छोटा करके दिखाऊं तो पहला में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन CUBR है, फिर जौहरी इनकलेब है, उसके बाद गोकुलपुरी मिलेगा, गोकुलपुरी के बाद आपको मिलेगा इसको मौजपुर बाबरपुर जबराबाद, उसके बाद आपका ये वेलकम में टच करता है। इधर की तरफ जाएंगे तो आपका सीलमपुर शास्त्री पार्क कश्मीरी गेट बस अड्डा, इधर के जाएंगे तो सादरा से होते हुए दिलसाद गार्डन से न्यू गसियाबाद वाला रूट है। अगर इसी रूट की अगर दूसरे बात करेंगे, यहाँ से जहाँ पे लोकेशन है लास्ट ट्रेस हुआ है इससे अगर कहें तो इधर की तरफ पावी शादी वगैरह और पावी शादी से आगे देखेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे तो इंदिरापुरी भी पावा शादी आएगी, अंगरौला आएगा, मंडौला आएगा और यासनपुर मसूरी आएगी, और फाइनली जो आपका आएगा ये बागपत वाला रूट आ जाएगा, ये बागपत वाला है। और बागपत में अगर जाते हैं तो आपके लिए तो ये मतलब एग्जैक्ट आपको लोकेशन यहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा लड़का, ज़्यादा चांस है ये जो टोनका सिटी वाला एरिया से पहले और ये वाला एरिया जो है आपका इधर की तरफ भी होगा। इधर की तरफ देखेंगे तो ये सोनिया विहार है, इधर की तरफ अगर देखेंगे तो इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो करावल नगर वाला रूट शुरू होता है, और ये वाला रूट भी रूट है जो बागपत आगे की तरफ से जाके आप
स्कूबा साबी में मिल जाता है। और इस पे नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जो अपनी रोडों का बहुत लंबा थोड़ा काम चल रहा है, जिसके कारण सारा वो आपकी एरिया है। तो किन्हीं भाई बंधु को अगर दिखता है तो ज़रूर एक बार इंफॉर्मेशन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। कॉल तो इस समय रिसीव नहीं कर पाऊँगा ये नंबर पर, टेलीग्राम कर दीजिए। यूट्यूब पर तो आप देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, पिक्चर आपके साथ में ही है। और आपका जितना हो सके वो भी आपको ये मैं ये नंबर दे दिया हूँ, ये इस पे आपको ये पता चल जाएगा। 15 तारीख का एफ आई आर है, अंकुर बिहार थाने में एफ आई आर है, नंबर कई और सभी लोगों का दिया हुआ है। तो नंबर तो मैं जो बताया हूँ वो पेटी कीजिए, अंकुर बिहार का एफ आई आर है। 16 तारीख के लिए एफ आई आर हुआ है, 15 तारीख को 12:17 पे मिसिंग हुआ है, 12:37 तक सीसीटीवी में लोकेशन हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।